जिलाधिकारी के जनता दर्शन में फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिलाधिकारी भी फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की बात कर रहे हैं। जनता दर्शन में पहुंचे लोगों को न्याय की काफी उम्मीद है और जिलाधिकारी भी फरियादियों के साथ पूरी तरह से न्याय कर रहे हैं। जनता दर्शन में पहुंची एक महिला ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जिलाधिकारी से नौकरी की गुहार लगाई। उसका कहना था कि सीतापुर हॉस्पिटल में उसके परिवार के सदस्य सफाई कर्मी का काम करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है और उसे नौकरी की जरूरत है, जिस पर डीएम ने सीडीओ को तत्काल उसके समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इसी तरह एक वृद्ध हेपेटाइटिस सी से पीड़ित मरीज ने डीएम से इलाज के लिए गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर उसके इलाज करने के निर्देश दिए। फिलहाल जिलाधिकारी लगातार फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण कर रहे हैं। इसी कारण फरियादियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उन लोगों को भी उम्मीद है कि यहां न्याय जरूर मिलेगा। कहाँ रुके हो? सीतापुर है सर। सीतापुर अस्पताल में रहते हो? हाँ रहते हैं सर। गुजर गए, बिकी रहा है सर। अभी तो बात हुई उनसे शुक्ला जी से, वो कहाँ कागज कहाँ है उसका? कागज दे दीजिए। कौन बताया शुक्ला जी? नहीं यार, वो कह रहा हूँ उससे क्या इलाज तो हो जाएगा। हाँ सर, इलाज तो बी आर डी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। राम नाम मेरा सुबह आकर भविष्य की जान लो। सालों में कुछ लोग के आगे जान जाते हैं, हाथ में हमारा जुआ भाई ये बीआरडी में हो जाएगा। कितने का पड़ता है? अच्छा एंटीबायोटिक नहीं, ये आप क्या रखते नहीं क्या? बुरा है, बचा लो सर, इनका दीन है तो सीधे तो बाबा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का नहीं तो फूड इन्फेक्शन से दांत का, दांत का कहीं इलाज कराया क्या? दांत का कहीं सर? दांत का कौन नहीं कर पता नहीं यार, ये चाहिए तो दोबारा डायग्नोस कराना है तो सब सही। हर्निया होगी, इनका हर्निया बता रहे हैं। हर्निया हर्निया भी है और हेपेटाइटिस भी। कागज हम भी नहीं देखा, ये तो कह रहे हैं ना। आप डायग्नोस ढंग से करा दीजिए उसको, डायग्नोस करा कर मैं भेज रहा हूँ, कोई है अटेंड करने के लिए? कल बता दो, कल आप आ जाएंगे? हाँ आज तो ओपीडी बंद है, कल भी बता दो तो कल। इनका नाम कृष्ण मुरारी, ये मंदिर का पुजारी है। कौन बताया हेपेटाइटिस सी? कागज नहीं, हेपेटाइटिस सी मुश्किल से लाख में एक लोग होता है सर। यहाँ तो वही है, वो मुस्लिम है सर, आप मुस्लिम हो जाए और जब जो वही उनका पहले नसीब बोल करेगा हाँ जी, वही डॉक्टर है सर। प्रिंसिपल साहब से मिल लेना,
वहाँ बीआरडी जाके उसका अलग दवा मंगाना पड़ता है, 1-2 लाख होता है, मंगा रही है हेपेटाइटिस सी है तो ना उसके लिए अलग दवा मंगाना पड़ता है बाहर से। पहले तो ये हेपेटाइटिस सी तो ये जानलेवा बीमारी है, उसको सही कराइए, उसके बाद वो हैवानिया सही हो जाए। अब कल जा करके प्रिंसिपल से मिल लीजिएगा, है ना, प्रिंसिपल से वैसे परसों आएंगे, मैंने लिख दिया उसको देने के लिए, दोबारा आप चेक कराइए, हेपेटाइटिस सी बहुत मुश्किल से किसी लोग को होता है। नवीन के पैतृक है वो कहाँ है, पागल होता है कहाँ है, घर पे रहता है।